हाय माय वंडरफुल पीपल, स्वागत है आपका आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स पर। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी प्यारी से फैमिली के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी विच इज गोइंग टू बेयर अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन योर हेयर, जो कि आपके बालों को इंस्टेंटली स्मूथ, शाइनी एंड सिल्की बना देगी। ये रेमेडी सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। बिलीव मी गाइस, रेमेडी इतनी न्यूट्रिटिव है दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई वुड सजेस्ट यू इस फेस्टिव सीजन में आप इस हेयर मास्क को एक बार जरूर ट्राई करना। सो लेट्स प्रिपेयर द हेयर मास्क। सो मास्क प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर 3 मैजिकल इन्ग्रीडियंट्स यूज करूंगी। तो रेमेडी को शुरू करते हैं। रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 3 टेबल स्पून कर्ड ले लिए हैं। कर्ड हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। अगर आपके पास कर्ड नहीं है तो आप 2 एग योक भी ले सकते हो। कर्ड और एग योक आपके बालों को एक्सट्रीमली शाइनी बना देता है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे गुड़हल के फूल का पाउडर, यानी कि हिबिस्कस पाउडर, 1 छोटा चम्मच। अगर आप इस फूल के बारे में और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना पोटेंट इंग्रेडिएंट है हमारे हेयर और स्किन के लिए। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे 1 छोटा चम्मच भृंगराज पाउडर। आपने अपने बहुत से शैम्पूज, ऑयल्स पर भृंगराज का नाम पढ़ा ही होगा। ये बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। ये हमारे बालों को रूट से एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच आंवला पाउडर। आंवला पाउडर के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा सुपर फूड है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेयर, स्किन और पूरी बॉडी के लिए ही। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप नोटिस करेंगे मास्क बहुत ही ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी का बनकर तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पानी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्टर कर लेंगे। और आपका मास्क बनकर रेडी हो जाएगा। कैसे इस्तेमाल करना है? आपने अपने हेयर्स को सुलझा लेना है और बालों को थोड़े थोड़े सेक्शंस में लेकर इस तरह से लगाते जाना है। ये बहुत ही पावरफुल मास्क है, स्पेशली अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करा रखा है और आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड और डल है। एप्लीकेशन के बाद आप इसे आधे घंटे के लिए रहने देंगे। इसे ज्यादा भी रख सकते हैं बिकॉज इस मास्क के 0 साइड इफेक्ट्स है। अगर आपके बाल भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या बिल्कुल ही मरियल हो गए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस हेयर मास्क को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और वापस आकर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। So that's it for today's video. I hope you enjoyed it. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।